बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अब पीसीएस परीक्षा में तीसरा स्थान पाकर बुलंदशहर का नाम किया बुलंद। बुलंदशहर की बेटी ने अब पीसीएस परीक्षा में तीसरा स्थान पाकर बुलंदशहर का नाम किया बुलंद। 24 वर्षीय नम्रता सिंह ने पहले ही प्रयास में हासिल की सफलता। अनूपशहर की रहने वाली नम्रता सिंह बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर की सफलता हासिल। नम्रता सिंह बोली, प्रशासनिक अधिकारी बन देश सेवा और शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करना है लक्ष्य। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि काफी सालों से प्रयास किया है मैंने। यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट था मेरा और उसमें तीसरी रैंक, अपने आप को तीसरे नंबर पर देखना काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। और जो लोग ऐसे सफ़र में हैं उनसे मैं बस यही कहूँगी कि आप लगातार, आप जहाँ पर भी फंसे हुए हैं वहाँ से अपना प्रयास करते रहें। किसी भी निराशा से, किसी भी हार से अपने आप को छोटा महसूस ना करें और जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुँचे तब तक टिके रहें। मेरी माता डॉक्टर चंद्रावती, वो DPBS PG कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर है और मेरे पिताजी इटावा में रूरल डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मेरा काफ़ी मन था, तो इससे पहले मैंने UPSC में भी प्रयास किया। उसमें कुछ नंबरों से मैं इंटरव्यू को आगे तक नहीं कर पाई और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस बार PCS का एग्ज़ाम दिया जाए, तो PCS का पहला प्रयास मैंने ये दिया था। जी, आगे अब मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग को ज्वाइन करके अपने जो भी IAS की या UPSC की तैयारी हो सकती है उसको कंटिन्यू करूँगी। देखिए, उद्देश्य समाज की जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ उतने करने का है। इस समाज ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, मेरी पढ़ाई से लेकर मेरी सुरक्षा तक, तो उसको मैं जितने तरीके से, जितने गंभीरता से लौटा सकूँ वो मैं अपना कार्य समझती हूँ। मेरी पढ़ाई भी 10th और 12th यहीं पर स्थित तो JP विद्या मंदिर अनूपशहर से की है। इसके बाद आपने पढ़ाई क्या किया है, कहाँ से किया है? इसके बाद मैंने 2019 में BTech किया है कंप्यूटर साइंस से NIT दिल्ली में। ममताजी, आपने डिप्टी कलेक्टर नहीं है, इसके लिए आप इससे पहले तो अपने डॉक्टर की या टीचर क्यों नहीं हुई? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर समाज में बिल्कुल नीचे स्तर पर काम करने का मन था, इसलिए मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में चला।